ये हमारा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, नेटवर्क बेस्ड वीडियो डोर फोन, तो जिसका मॉडल है HVIPK VL802। तो आज इस चीज़ को हम अनबॉक्स करके आपको चीज़ें दिखाते हैं, इसकी क्या क्या है इसमें। ये IPTV में हमारा जो मिल जाता है आपका यूज़र मैनुअल। सबसे पहले आपकी ये स्क्रीन है जो 8 इंच की है, 8 इंच डिस्प्ले के साथ आपको ये IPTV भी मिल जाती है जो कुछ ऐसे टाइप में। देन आपको ये स्लिम आउटर मिल जाता है IPTV का। लुक वाइज आपको ऐसे, देन ये आपको एक्सेसरीज मिल जाती है इसके साथ फॉर कनेक्शन। इसका हम कनेक्शन आपको बताएंगे। ये दो चीज़ों से चल जाती है, पहली है POI और एक नॉन POI। तो दोनों टाइप से आपको बताएंगे कैसे इसको ऑन करना है, कैसे इसको कनेक्ट करना है। तो पहले आते हैं हम नॉन POI के, उसमें तो उसके साथ जो अडेप्टर आपको मिलेगा या एक्सेसरीज मिलेगी आपको, तो आपको पहले अडेप्टर उसको प्लग करना है। आप ये प्लग कर देंगे इसमें, देन आपको जो ये लीड मिलेगी इसको फर्स्ट पॉइंट में जस्ट 12 वोल्ट के बगल में आपको फिक्स कर देना है। ये हो गया आपका नॉर्मल कनेक्शंस। देन आपको मैं अब पैच कोड यूज़ कर रहा हूँ इस टाइम पे। आप जो भी अपने लेंथ के हिसाब से जो आप कनेक्टर कनेक्ट करोगे उसमें, वो चीज़ अलग है आपका। तो देन जो फर्स्ट एंड है आपका, एक केबल हमने कनेक्ट कर दी इसमें। देन आउटर के लिए आपको ये प्लेट आपको पहले ओपन करनी पड़ेगी। देन आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये एरो दिखे, ये तीन लॉक के कनेक्शंस के लिए दिख जाएंगे, बाकी एक आपको स्विच मोड मिलेगा। तो ये स्विच आपका है DC और POI के लिए। अगर आपको POI चलाना तो ये ऊपर रहेगा, DC में चलाना है तो नीचे रहेगा। तो हम DC चला रहे हैं तो अभी ये इसको नीचे ही हम रखेंगे, अगर ऊपर हो तो नीचे कर देना है DC के लिए। हम DC के लिए इसको चलाने के लिए DC पे कर देंगे। देन आपको केबल लेनी है DC पे ही और इस पर कनेक्ट कर देनी है। देन आप इसको देखेंगे, हम इसको ऑन कर लें, आपका VDP ऑन हो गया है। आपका बूट हो गया है, कुछ इस टाइप को आपको मिल जाएगा। देन आप बेल करेंगे, डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। इसमें आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन इतनी हार्ड नहीं है जो आप करना पाए, डायरेक्टली आपको प्लग एंड प्ले करना है, ये डायरेक्टली चल जाएगा इसमें। अब इसको हम आपको POI में चला के दिखाएंगे, POI में आपको कैसे कनेक्शन करने हैं इसमें। POI के लिए आपको पहले, सबसे पहले जो आपको बताया था, आपको ये स्विच देखना है, ये नीचे DC में होता है, ऊपर POI में होता है, तो उसको आपको ऊपर सेलेक्ट कर देना है POI के लिए। तो ये आपका POI के लिए रेडी है। स्क्रीन में आपको कोई चेंजेस नहीं करने, स्क्रीन नॉर्मल रहेगी आपकी। स्क्रीन के जस्ट जो आपका वो कनेक्टर था वो आपका हट जाएगा, अडेप्टर हट जाएगा। आपको एक लैन केबल, एक स्क्रीन के लिए लैन केबल हो गई है, एक आउटडोर की केबल हो गई है। ये स्क्रीन की है, ये आउटडोर की है। आपको जस्ट एक POI स्विच लेना है, पावर वाले कोई से भी कोई पोर्ट में आप इसको प्लग कर देंगे। एक स्क्रीन का हो गया है आपका, एक आउटर का हो गया है। तो आप इसको चेक करेंगे आपका डायरेक्टली ये POI में हो गया है।
आपका पीओई में हो गया। ऐसे ही आपके अगर आउटडोर और इंडोर एक्स्ट्रा हैं तो आप इसमें डायरेक्टली दो आउटडोर इंडोर दूसरे सेटअप में भी लगा सकते हैं इसमें डायरेक्टली पीओई में। जैसे हमने अभी चार का यूज़ करा है तो आपने दो इंडोर, एक आउटडोर एक इंडोर है, तो आप अगर दो फ्लोर में और हैं तो दो फ्लोर के आप डायरेक्टली इसमें डाल के ऑन कर सकते हैं।